यार सैमी एक सिंपल से काम दिया था, एक मिनट सैमी सृष्टि इधर आ। दी आप यहाँ पे? पहले तो ये बताओ कि लड़ते झगड़ते क्यों रहते हो हर वक्त? भाभी जो नया नंबर लिया था उससे कुछ काम किया कि नहीं? कुछ नहीं किया, और करवा लो इससे फोन, बस फोन को देखता रहेगा, कुछ करेगा नहीं। करने तो ये भी गई थी बहुत कुछ, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। जाने से पहले बहुत बोल रही थी कि ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं किया तुमने। ए, हेलो, मैं सिर्फ बातें नहीं काम भी करके आती। अच्छा, कुछ ना कुछ तो मैं लेके आती, अगर वो जंगली बिल्ली माहिरा नहीं आती। अच्छा, अरे चुप हो जाओ, झगड़ना बंद करो और अब मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे कहाँ का क्या मतलब, कहाँ, सारे काम खत्म थोड़ी हो गए हैं। बहुत ऐसी बातें हैं जो हमें पता लगानी है और अभी तक हम पता नहीं लगा पाए, बस उसी के लिए चलो मेरे साथ। ठीक, जाओ, नहीं जाओ। तुम क्या कह रही हो मायरा, मैं तुम्हारे अगेंस्ट क्या कर रही हूँ? तुम बता दो तुम मेरे अगेंस्ट क्या कर रही हो, और मना करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे सब पता है, सृष्टि ने मुझे सब बता दिया। मुझे तो लगा था कि मैंने इन लोगों को गुमराह कर दिया है, तो ये लोग रास्ता भटक गए होंगे, मेरे बदले मायरा तक पहुंच गए, पर नहीं, लगता है इन लोगों को मुझ पर अब भी शक है, और इन लोगों ने मायरा को सारी सच्चाई बता दी, अब क्या करूं? क्या सोच रहे हो शौले? तो पूछा है वो बताओ। मायरा का तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर रही हूँ या तुम्हें बैक स्टैप कर रही हूँ, तो तुम्हारे और मेरे बीच में जो दोस्ती है उसे खत्म कर दो। इतनी प्रिडिक्टेबल हो ना तुम, मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया है कि सृष्टि ने मुझसे क्या कहा, उसको पता था कि वो मुझे ऐसा कुछ बोलेगी, मैं तुम्हारे पास जाऊंगी, तुमसे कुछ बोलूंगी और तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी, हमारी दोस्ती टूट जाएगी। शौलिन वो यही तो चाहती है ना कि हमारी दोस्ती टूट जाए, उनको डर लगता है हमसे, अगर हम दोनों साथ हैं तो बहुत स्ट्रांग है, कोई हमारे अगेंस्ट नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम अलग हो गए तो हम दोनों के लिए नुकसान होगा। थैंक गॉड मायरा ने जिस तरीके से घुमा फिरा के बात की, एक पल के लिए मुझे लगा इसे सारी सच्चाई पता है, पर नहीं, इन शॉर्ट सृष्टि ने इसे सारी बात बता दी, पर फिर भी इसने उन लोगों का विश्वास नहीं किया। शोलन, मैंने तुम पर कभी भी शक नहीं किया है, कोई मुझसे आकर कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है उस बात का, जो हमारे बीच की दोस्ती है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको इतनी छोटी चीजों से नहीं अफेक्ट होना चाहिए, राइट? राइट, मैंने तो ये बातें बस ऐसे ही आकर तुमको बोल दी, मुझे तुम्हारा रिएक्शन देखना था, और देखो अपना चेहरा देखो कितना डरा हुआ है। मायरा, आजकल हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हो रही है कि ऐसा लगता है कि मैं हमेशा डरी भी हूँ। That's it. चल, मैंने जो कहा है मैं उस पे टिकूंगी, कोई मुझसे कुछ भी आकर बोले मैं कभी तुम पर शक नहीं करूंगी, लेकिन अगर मुझे लगा कि तुम मेरे अगेंस्ट जा रही हो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें।